हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड 8। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे कोर डेटा। कोर डेटा थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एपिसोड 8 में हम कवर करेंगे कोर डेटा का पार्ट 1। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज कोर डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर डेटा इज एन इनबिल्ट फ्रेमवर्क यूज टू क्रिएट लोकल डेटाबेस। कोर डेटा बेसिकली एसक्यूएलआईट डेटाबेस के ऊपर एक रैपर है। ओके, तो इसके थ्रू हम एक लोकल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी ऐप में। ओके, सो लोकल डेटाबेस इज नीड्स टू बी क्रिएटेड व्हेन यू नीड टू स्टोर एनी डेटा इन योर ऐप। ओके, सो लेट्स से हमें अपनी ऐप के एंड पे कोई भी डेटा अगर सेव कराना हो तो हम लोकल डेटाबेस का यूज़ करते हैं। ओके, सो इन आर केस वी आर यूजिंग कोर डेटा। ओके, सो हम एक सिंपल सी ऐप बनाएंगे ताकि हम कोर डेटाबेस का यूज़ शो करा सकें। एज़ यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन, ओके, हम दो टेक्स्ट फील्ड लेंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एंड मैं जो भी इस टेक्स्ट फील्ड पे इनपुट करूँगा सेव यूज़र के क्लिक पे, जो भी मैंने फर्स्ट नेम सेव करा है और लास्ट नेम सेव करा है वो जाके मेरे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। देन मेरे पास सबसे बॉटम में एक बटन है, दैट इज़ शो ऑल सेव्ड यूज़र्स। ओके, इस बटन पे क्लिक करते ही मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊँगा और नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं सारे जितने भी मैंने अब आज तक नेम सेव करें अपने ऐप में वो मैं देख सकता हूँ। ओके, सो बेसिकली होगा क्या, मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जो भी इनपुट करूँगा सेव यूज़र के क्लिक पे वो मैं पर्टिकुलर कॉलम में सेव करा दूँगा डेटाबेस के, जैसे फर्स्ट नेम कॉलम में एंड लास्ट नेम कॉलम में, तो मेरे डेटाबेस में एक रो क्रिएट हो जाएगी। ओके, एंड देन जब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊंगा तो जितनी भी रोज़ मेरी डेटाबेस में क्रिएट है सबको फेच करके मैं एक टेबल व्यू पे शो करा दूंगा। ओके, सो कोर डेटा टेबल। ओके, सो टू सेव आवर डेटा इन डेटाबेस वी नीड टू क्रिएट अ टेबल विद रिक्वायर्ड कॉलम्स। ओके, हमें कोई भी डेटा अगर डेटाबेस में सेव करानी है तो हमें पहले टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी एंड देन जो भी रिक्वायर्ड कॉलम्स होंगे उस टेबल में वो क्रिएट करने पड़ेंगे, देन हम उस टेबल में डेटा सेव करा सकते हैं। द टेबल विल स्टोर ऑल वैल्यूज़ फॉर अस। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेव कराना है तो मुझे एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें दो कॉलम होंगे, कॉलम वन कॉलम टू, एंड देट आर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जैसे ही मैं फर्स्ट वैल्यू इनपुट करूँगा एंड सेव यूज़र पर क्लिक करूँगा तो मेरे डेटाबेस टेबल में एक रो ऐड हो जाएगी जो कि रो वन होगी, जिसके मैं फर्स्ट नेम की वैल्यू होगी देवांशु एंड लास्ट नेम की शर्मा। सिमिलरली जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करता जाऊंगा मेरे डेटाबेस टेबल में रोज़ उतनी बढ़ती चली जाएंगी। ओके, सो कोर डेटा पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत बेसिक टर्म्स हैं अबाउट कोर डेटा जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट इज़ एंटिटी। ओके, बेसिकली एंटिटी वी कैन से टेबल को हम एंटिटी कहते हैं। ओके, एज सच कोर डेटा में कोई टेबल्स नहीं होती क्योंकि कोर डेटा बेसिकली ऑब्जेक्ट्स में डेटा सेव करता है, बट हम समझने के लिए चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि बेसिकली डेटाबेस एंड पे चीज़ें टेबल में ही सेव होती हैं। ओके, सो वी कैन से दैट एंटिटी इज लाइक अ टेबल जिसमें हमारी सारी डेटा सेव होगी। ओके, एनिस मैनेज ऑब्जेक्ट, बेसिकली एनिस मैनेज ऑब्जेक्ट में एक रो को रिप्रेजेंट करता है और यू कैन से टेबल में स्टोर्ड एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है वो एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट। यानी बेसिकली जैसे मेरी एक रो है जिसमें देवांशु और फर्स्ट नेम सेव है एंड शर्मा एज लास्ट नेम सेव है, तो उस पूरी रो को मैं अगर एक डेटा टाइप में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो डेटा टाइप है एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट। ओके, एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली ये एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट है, तक जो भी चेंजेस एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट में होते हैं तो ये हर चेंज को मॉनिटर करता है, चाहे एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट को मैं अपडेट करूँ, डिलीट करूँ या उसे सेव करूँ। ओके, सो ये तीन टर्म्स थी जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी थी स्टार्ट करने से पहले, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट यूआई बनाएंगे। ओके, सिंगल व्यू एप्लीकेशन एपिसोड 8। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं यूज़ कोर डेटा को चेक कर दूँ क्योंकि मुझे अपने प्रोग्राम में कोर डेटा यूज़ करना है और इसका फ़ायदा क्या होगा, लेट मी शो यू। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट में ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स आ गए
जो कि मेरे कोर डेटा के मेथड्स हैं. ओके सो दीज आर सम मेथड्स. ओके सेव कंटेक्स्ट यानी सब कुछ सेव कराने का मेथड, एंड मैनेज ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद डिज़ाइनिंग. ओके तो सबसे पहले एक यूआई लेबल, ड्रैग ड्रॉप सेंटर सेमी बोल्ड कलर ऑरेंज. ओके और टेक्स्ट कोर डेटा डेटा बेस. ओके ऊपर से कंस्ट्रेंट दिया वर्टिकल स्पेस और सेंटर हॉरिजॉन्टली. ओके अपडेट फ्रेम्स ठीक है. अब हम लेंगे दो टेक्स्ट फील्ड, कमांड वी कमांड कमांड सी कमांड वी और टेक्स्ट फील्ड कॉपी कर ली. ओके अब लेंगे हम एक यू आई बटन. जिसका टेक्स्ट हम देंगे सेव यूज़र. ओके उसका बैकग्राउंड कलर देंगे कॉपी दिस बटन पेस्ट. इस बटन का टेक्स्ट हम देंगे शो ऑल यूजर्स, क्योंकि ये बटन हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा जहाँ पे हमें हमारे डेटाबेस में जितने भी यूज़र सेव्ड हैं वो दिखेंगे. तो इसमें मैं हिंट के लिए दे सकता हूँ कि यूज़र को क्या भरना है. यूज़र को यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है. ओके और यहाँ पे प्लेस होल्डर टेक्स्ट लास्ट में. ओके इन दोनों बटन्स के एक्शंस और आउटलेट्स क्रिएट करते हैं. ठीक है तो सबसे पहले इसका जी है मेरी फर्स्ट नेम फील्ड ये मेरी लास्ट नेम फील्ड. ओके ये मेरे सेव यूजर बटन का एक्शन. और ये मेरे शो ऑल यूज़र बटन का एक्शन. ओके सो जब भी मैं सेव यूज़र पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और जब भी मैं शो ऑल यूज़र्स पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा. ओके सो अब मुझे क्या करना है, पहले ऑटो लेआउट सेट कर लेते हैं इस पे लीडिंग ट्रेलिंग वर्टिकल स्पेसिंग लीडिंग ट्रेलिंग वर्टिकल स्पेसिंग लीडिंग ट्रेलिंग. इस बटन को हमें टॉप से स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बॉटम से स्टिक रहेगा. ओके सो बॉटम स्पेस लीडिंग स्पेस ट्रेलिंग स्पेस
सारे कंस्ट्रेंट सेट। ओके, सो अब डेटाबेस की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला स्टेप इंपोर्ट कोड डेटा। ओके, लेट एबडेल, अब हम ऐप डेलीगेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो मैंने इसका नाम दिया ऐप डेल, तो यू कैन यूज़ एनी नेम। ओके, ऐप डेलीगेट यूआई एप्लीकेशन, हम ऐप डेलीगेट का शेयर्ड इंस्टेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे। एप्लीकेशन डेलीगेट ओके। अब हम एनिस मैनेज ऑब्जेक्ट कंस्टेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो एज वी कैन सी हियर, मेरी एक्सी डेटा मॉडल क्लास। ओके, सो सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं इसके अंदर। ओके, एड एंटिटी, इस एंटिटी का नाम देते हैं यूज़र। ओके, इसमें दो एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, यानी दो कॉलम्स ऐड करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट नेम जो कि किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, देन लास्ट नेम, लास्ट नेम भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। ओके, सो बेसिकली मेरी एक टेबल बन गई है जिसका नाम यूज़र है और जिसमें दो कॉलम्स है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, मेरी एंटिटी का नाम यूज़र है, तो मुझे यहाँ पे अपनी एंटिटी का नाम भी चेंज करना होगा, दैट इज़ यूज़र। ओके, सो व्हाट आई वांट इज़ इस सेव यूज़र के क्लिक पे इस मैं यहाँ पर जो भी मैं इन टेक्स्ट फील्ड्स में इनपुट करूँ वो डेटा मुझे डेटाबेस में सेव कराना है। ओके, सो उसके लिए मुझे एक नया यूज़र बनाना पड़ेगा, लेट न्यू यूज़र। ओके, एनएस एंटिटी डिस्क्रिप्शन डॉट इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट फॉर एंटिटी। ओके, इस मेथड के थ्रू मैं अपनी एंटिटी यानी अपनी टेबल में एक नया एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकता हूँ। ओके, यानी एक नया रिकॉर्ड सेव करा सकता हूँ। ओके, सो मेरा एंटिटी नेम क्या है, यूज़र। ओके, और मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हम बना ही चुके हैं, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, डन। ओके, अब न्यू यूज़र में वैल्यू सेट कराते हैं, न्यू यूज़र डॉट सेट वैल्यू, हमें वैल्यू क्या सेव करानी है, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम फील्ड का टेक्स्ट। ओके, इस कोड के थ्रू जो भी फर्स्ट नेम फील्ड में लिखा होगा उसका टेक्स्ट मैंने गेट कर लिया। ओके, और उसको मैं सेव करा दूंगा किस की के थ्रू, फर्स्ट नेम की के थ्रू। ओके, सो ये अबव ये लाइन फर्स्ट नेम कॉलम में क्या वैल्यू डाल देगी, जो भी मैंने फर्स्ट नेम फील्ड में लिखी होगी। ओके, सिमिलरली सेल्फ डॉट लास्ट नेम फील्ड डॉट टेक्स्ट से वैल्यू निकाल के किस में सेव हो जाएगी, लास्ट नेम। ओके,
फाइनली अब मुझे इस कंटेक्स्ट को सेव कराना है. ओके सो व्हाट आई विल डू इज try context.save. catch इसमें मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ, लाइक कैच एरर कैच करने के लिए मैं कंसोल में प्रिंट करा सकता हूँ एरर वाइल सेविंग द डेटा. ओके सो ये मेरे सेव कराने का कोड डन. जब भी मेरा सेव यूज़र बटन प्रेस होगा तो मेरा ये फंक्शन कॉल होगा जिसके थ्रू मैं ऐप डेलीगेट फर्स्ट सबसे पहले मैंने ऐप डेलीगेट का शेयर्ड ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू मैंने जो ऐप डेलीगेट में कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था वो कॉल कराया, एंड इस मैंने जो ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो कॉल कराया. ओके देन न्यू यूज़र क्रिएट करा कैसे, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट फॉर एंटिटी, कौन सी एंटिटी जिसका नाम यूज़र हो. ओके और कंटेक्स्ट में मैंने ऐप डेलीगेट वाला कंटेक्स्ट दे दिया. ओके देन न्यू यूज़र में वैल्यू सेट करी, मैंने वैल्यू क्या सेट करी, सेट फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम फील्ड की में जो भी टेक्स्ट लिखा था वो वैल्यू एज अ वैल्यू सेट हुआ, किस की के लिए, किस कॉलम के लिए, फर्स्ट नेम कॉलम के लिए, सिमिलरली लास्ट नेम के लिए मैंने वही काम करा. और एट द एंड उसे जो मेरा ग्लोबल कंटेक्स्ट है इस ऐप में उसमें मैंने एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट सेव करा दिया. ओके सो ये तो थी सेव कराने की बात, अब बारी आती है डेटा शो कराने की. ओके तो यहाँ तो हमने डेटा सेव करा दिया, अब बारी आती है डेटा शो कराने के लिए. इसके लिए हमें एक और स्क्रीन बनानी पड़ेगी. ओके सो व्यू कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. ओके इस व्यू कंट्रोलर में हमें कुछ नहीं करना, बस एक टेबल व्यू बनाना है. टेबल व्यू इस पर हम डेटा शो करा सकें. इसको कर देते हैं पिन 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 डन. ओके इसको डेलीगेट और डेटा सोर्स. अब इसकी फंक्शनलिटी क्लास बनाते हैं. न्यू फाइल कोकोआ क्लास सेकेंड वी सी. ओके यहाँ पे इसकी सब क्लास चेंज करते हैं यू आई व्यू कंट्रोलर. ओके नाउ नेक्स्ट अब दोनों फाइल को लिंक करते हैं. इसकी फंक्शनलिटी फाइल क्या है, सेकेंड वी सी. ओके तो फाइनली सेकेंड वी सी में कोड करना स्टार्ट करते हैं टू फैच आवर रिजल्ट्स. ओके रिप्लेस इट विद यू आई किट. ओके यहाँ पे भी कोड डेटा इम्पोर्ट करते हैं. सॉरी इम्पोर्ट कोड डेटा. ओके व्यू डिड लोड फंक्शन. तो डेटा फैच करने के लिए एक फंक्शन लिखते हैं फैच डेटा. ओके सो सिमिलरली इसमें भी सबसे पहले हम ऐप डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ओके एंड कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वही कोड कॉपी कर लेते हैं. ओके सो आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम ऐप डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं और हम वही कंटेक्स्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज पूरी ऐप में जब भी हम एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, यानी अपने टेबल की एक रो में चेंज कर रहे हैं, चाहे उसमें एक रो ऐड कर रहे हों या फिर किसी एग्जिस्टिंग रो को अपडेट कर रहे हों या फिर कोई भी टास्क हम टेबल की रो पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो पूरी टेबल ऐप के रिस्पेक्ट में एक सिंगल टेबल है. तो
उसका कंटेक्स्ट भी एक सिंगल होना चाहिए पूरी ऐप के रिस्पेक्ट में, और पूरी ऐप के रिस्पेक्ट में एक सिंगल ऑब्जेक्ट हमारे यूआई एप्लीकेशन का ही बनता है। ओके, यूआई एप्लीकेशन बेसिकली एक सिंगलटन क्लास है जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कंटेक्स्ट। ओके हियर, सो अब फेच करने का कोड लिखते हैं। फेच करने के लिए मुझे सबसे पहले एक फेच रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, सो लेट्स डू इट। लेट रिक्वेस्ट, और ये फेच रिक्वेस्ट किस टाइप की होगी, एन एस फेच रिक्वेस्ट टाइप की। ओके, इसमें हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है एंटिटी नेम कि हम किस बेसिकली किस एंटिटी पे हम फेच रिक्वेस्ट चलाना चाहते हैं, और हमारी एंटिटी का यानी हमारे टेबल का नाम था यूज़र। ओके, सो एज यू कैन सी ये एक फिक्स शो कर रहा है, लेट्स सी, ये जस्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट नेम देना था, दैट इज़ एंटिटी नेम। ओके, सो लेट रिजल्ट्स, ओके, कॉन्टेक्स्ट डॉट, एग्जीक्यूट फेच रिक्वेस्ट, और फेच रिक्वेस्ट का नाम है रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक फेच रिक्वेस्ट जो हमने ऊपर क्रिएट करी थी उसे एग्जीक्यूट किया है। ओके, तो फेच रिक्वेस्ट से जो भी डेटा हमें मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, वो किस में आ जाएगा, इस रिजल्ट्स एरे में। ओके, लेट्स सी ये क्या एरर शो कर रहा है। ओके, तो बेसिकली एरर ट्राई कैच की थी कि हमने ट्राई तो लगा दिया बट कैच नहीं लगाया। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि इस हमने एक फेच रिक्वेस्ट लॉन्च करी किस पे, यूज़र टेबल पे, और उस फेच रिक्वेस्ट से हमें उस फेच रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके जो भी हमारे रिजल्ट होगा वो पूरा रिजल्ट यानी वो सारी रोज हमारी इस रिजल्ट एरे में सेव हो जाएंगी। तो मैं इस रिजल्ट एरे पे फोर लूप लगा के सारी डेटा फेच कर सकता हूँ। आइटम्स इन रिजल्ट्स तो मैं इसमें से फर्स्ट नेम निकाल सकता हूँ। ओके, जो कि होगा आइटम्स डॉट वैल्यू फॉर की, और की हमारी होगी जो हमने स्टार्टिंग में दी थी कॉलम्स क्रिएट करते वक्त, फर्स्ट नेम एज नॉट स्ट्रिंग, इसलिए क्योंकि मुझे ये स्ट्रिंग में चाहिए रिजल्ट। लेट लास्ट नेम, ओके, आइटम्स अगेन वैल्यू फॉर की हमारी थी लास्ट नेम के लिए लास्ट नेम। ओके, एज नॉट स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे ये स्ट्रिंग में चाहिए। ओके, सो सॉरी, ओके, सो हमारा सारा रिजल्ट वन बाय वन इस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में आता जाएगा। सो बेसिकली मुझे ऑल जो भी मेरे डेटाबेस में रोज़ होंगी वो वन बाय वन इस फोर लूप में एग्जीक्यूट होती जाएंगी, जिससे मुझे एक एरे क्रिएट करना है और उस एरे से मुझे टेबल व्यू क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, वेयर यूज़र एरे, जो कि किस टाइप का होगा,
स्ट्रिंग टाइप का, ओके, जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी बस, ओके। सो इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज अपेंड करते हैं इस यूज़र एरे में, सेल्फ डॉट यूज़र एरे, ओके, डॉट अपेंड। अपेंड हम कैसे करेंगे, हम फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस प्लस लास्ट नेम, ओके, यानी ये दोनों स्ट्रिंग अपेंड कंबाइन होके मेरे एक यूज़र एरे में सेव होते जाएंगे, ओके। सो दैट्स इट, हम कैच में एरर प्रिंट करा सकते हैं इन केस, प्रिंट एरर वाइल फेचिंग, ओके। सो अपना टेबल भी क्रिएट करते हैं फटाफट, यू आई टेबल भी, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। यू आई टेबल व्यू डेटा सोर्स, ओके। सो अगेन एरर, हमें बेसिक फंक्शनैलिटीज मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सेक्शंस इन टेबल व्यू, इधर हम रिटर्न करेंगे 1, ओके, नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, इधर हम रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट जितने हमारे यूज़र होंगे यूज़र एरे का काउंट, ओके, देन सेल फॉर एट इंडेक्स, ओके, यहाँ पे हम बनाएंगे लेट सेल यू आई टेबल व्यू सेल, ओके, इक्वल टू टेबल व्यू डॉट डी क्यू यूजल सेल, सेल का आइडेंटिफायर हम लेट से देते हैं सेल, ओके, यहाँ पे हम लेते हैं इंडेक्स पाथ, ओके, एज नॉट यू आई टेबल व्यू सेल, रिटर्न करते हैं सेल, ओके। ओके, सो इससे क्या होगा, मेरे जो सेल का लेबल है, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट एक यू आई टेबल व्यू सेल में एक टेक्स्ट लेबल होता है, जिसका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या सॉर्ट हो जाएगा, जो भी यूज़र एरे के इंडेक्स पार्ट डॉट रो में वैल्यू होगी, ओके, लेट अस सपोज 0th रो के लिए मेथड चलेगा, तो सेल सेल्फ डॉट यूज़र एरे के 0th वैल्यू जो भी होगी, जो हमारे डेटाबेस से फेच होके इसमें सेव हुई होगी, वो ये अपने आप शो कर देगा, ओके। हमने ये फंक्शन बना तो दिया, बट हमने ये कॉल नहीं किया था, तो लेट्स कॉल दैट फंक्शन फेच डेटा, एंड लेट्स ओके, हमें यहाँ पे टेबल व्यू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, माय टेबल, रीलोड डेटा, ओके। रीलोड डेटा मैंने इसलिए कॉल करा है क्योंकि जब मेरी ये सेकंड स्क्रीन लॉन्च होगी तो उस वक्त यूज़र एरे ब्लैंक होगा, तो मेरे नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे, तो कोई टेबल व्यू क्रिएट ही नहीं होगी, ओके। बट जब फेच डेटा मेथड मैं कॉल करूँगा, उसके बाद यूज़र एरे में डेटा आ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ उसके बाद ये टेबल व्यू रीलोड हो, ओके। सो इस बटन के क्लिक पे मैं इस स्क्रीन से उस स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ, तो आई विल क्रिएट अ सीग शो, ओके। सो नाउ बस लास्ट स्टेप टू जस्ट टू रजिस्टर आवर टेबल व्यू क्लास, ओके, सेल्फ डॉट टेबल डॉट रजिस्टर क्लास यू आई
table cell dot self, okay, और यहाँ पे मेरा reuse identifier आएगा cell, okay, and one more important thing, यहाँ पर हमने इधर एपिसोड 8 की जगह एंटिटी नेम यूज़र दे दिया था, वो हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे एक्सी डेटा मॉडल क्लास का ही नाम रहेगा, दैट इज़ एपिसोड 8, ओके। सो सेम नेम यहाँ पे यूज़ होगा, ओके, मेरी ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट में, ओके। सो आई गेस मेरा कोड पूरा कंप्लीट है, इसे रन करके देखते हैं। हेलो बाय, ओके, तो सेव के क्लिक पे डेटाबेस में सेव हो गया होगा। कन्फ्यूज लैब्स, अगेन ये भी सेव हो गया होगा। सचिन तेंदुलकर, अगेन ये भी सेव हो गया होगा। तो इस शो ऑल यूजर्स के क्लिक पे ये नेक्स्ट स्क्रीन लॉन्च होगी, ओके। देन सबसे पहले फेच डेटा मेथड चलेगा, फेच डेटा सारा डेटा फेच करके डेटाबेस का इस यूज़र एरे में अपेंड कर देगा। देन टेबल व्यू दोबारा रीलोड होगा, टेबल व्यू जैसे रीलोड होगा तो इसमें सेल्स बनने स्टार्ट होंगे। सेल्स कितने बनेंगे, जितना इस यूज़र एरे का काउंट होगा, हमारे केस में अभी हमने 3 यूज़र सेव कराए हैं तो इसका काउंट 3 आएगा। तो सिमिलरली ये मेथड 3 बार चलेगा, एंड एक एक करके इसके लेबल पे यूज़र का फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम शो होता जाएगा। तो चेक करते हैं शो ऑल यूज़र्स के क्लिक पे, ओके। सो एज वी कैन सी हमारे 3 यूज़र शो हो गए। तो ये था डेटाबेस का पार्ट 1, ओके। सो पार्ट 2 में हम फेचिंग के लिए क्वेरीज चलाएंगे कुछ पर्टिकुलर डेटा गेट करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग।